गुड मॉर्निंग नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, कैसे हैं आप? उम्मीद है मज़े में होंगे। मैं हूँ हाजिर आपके पसंदीदा शो जिसका नाम है सितारों के अहवाल। गुफ्तगू रहेगी आपके सितारों के हवाले से, लेंगे आपके कॉल्स और मैसेजेस और कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाए। हमारे साथ मौजूद है हमारे एस्ट्रोलॉजर जमोलॉजर अली तबस्सुम साहब जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का बड़ा करम है, परवरदिगार का बहुत बहुत शुक्र है। सबाहत रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा निजात का, ज़्यादा से ज़्यादा हमें अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए अपने गुनाहों की, और ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार की कसरत से इसका वर्द करते रहना चाहिए। और अपने ईद आ रही है और अपने गरीब बहन भाइयों का एहसास करें, अपने अराउंड अबाउट में वो लोग जो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं उनका ख्याल करें, ऐसे नादार यतीम मसाकीन का जिसके साथ आप सिला रहमी करके उनकी ज़रूरतों को पूरा करके अल्लाह ताला को ज़्यादा से ज़्यादा खुश कर सकते हैं जी। और ये आखिरी अशरा है तो इसमें शॉपिंग ख़वातीन की काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है। इसमें हम ये काफ़ी दफ़ा ये चीज़ें भूल जाते हैं कि ये अल्लाह ताला ने आपको इसी अशरे में ताक रातें भी अता फरमाई हैं जो कि हैं इबादत के लिए। तो कोशिश करें, ये आपकी बाहर की आउट गोइंग और तमाम चीज़ें तो ये चलती रहती हैं कि जी आपने शॉपिंग करनी है, ईद की तैयारी करनी है, देखना है कि कहाँ से कपड़े लेने हैं, कहाँ से चूड़ियाँ लेनी है और मेहंदी कहाँ से इस दफ़ा लगवानी है, क्योंकि हर जगह जो है वो अलग अलग टाइप की मेहंदी लगती है, तो इस दफ़ा कहाँ से अच्छी मेहंदी। लेकिन इसी के साथ साथ आपने इबादत भी करनी है और अपने वो रिश्तेदार की जिनको आपकी ज़रूरत है फाइनेंशियल हेल्प की या किसी भी तरह की हेल्प की, आप कोशिश करके आप आगे बढ़े, उनकी हेल्प करें, क्योंकि अल्लाह ताला को यही तमाम चीज़ें बड़ी पसंद है। क्योंकि ईद तो 3 दिन की है, आपने अच्छे कपड़े पहनना है, जो भी अल्लाह ताला ने आपके इस्तात के हिसाब से आपको नवाजा है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो आपकी नेकी है वो हमेशा कायम और दायम रहेगी। इसी नोट पर स्टार्ट करेंगे हमारा शो और दुआ भी करेंगे कि तमाम स्टार्स की पोजिशन आज अच्छी हो, और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है आज स्टार ऑफ द डे। जी वेल, स्टार ऑफ द डे मरकरी, जिसे हम तारुद बुज सुमला कहते हैं, इनका जोडिक साइन मरकरी, लकी नंबर इनका 5 एंड वेनसडे इनका लकी डे है। लक हाउस की पोजीशन इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, नेक्स्ट 3 to 5 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है वर्गोज के लिए। अर्थ साइन पर्सनैलिटी से इनको काफ़ी हेल्प मिल सकती है, खासतौर पर टॉरिन एंड कैप्रिकॉन इनके अच्छे एडवाइज़र, अच्छे बिजनेस पार्टनर साबित होंगे। जुलाई से सितंबर की टाइमिंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इनके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगी। 10th हाउस की पोजीशन इनकी बहुत ज़बरदस्त है, अच्छे लोग इनको सपोर्ट कर सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलेंगे अपने बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं या कोई और बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी का, फूड का, ट्रांसपोर्ट का, ये फील्ड इनके लिए बहुत ही अच्छी साबित होंगी। 7th हाउस की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, खुशियां, कामयाबियां इनको मिल रही हैं, पर्सनल विश इनकी पूरी हो सकती है। पर्सनल विश से मुराद कोई ख़ास, अगर कोई ये मैरिज का इरादा किसी हवाले से इनकी प्लानिंग है, शादी के हवाले से किसी खास जगह कोई प्रपोजल भेजना चाहते हैं या कुछ ऐसी लोगों से कुछ हेल्प ले के अपनी कामयाबियों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो 100% टॉरस एंड कैप्रिकॉन इनके काम आ सकते हैं। 1st हाउस बहुत अच्छा है, द हाउस ऑफ पर्सनैलिटी, शख्सियत के हवाले से भी इस साल इनके लिए बहुत ही मुबारक साबित होगा। येलो कलर की जो सदका देना इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा, येलो टोपास या फिर येलो सफ़ायर, दोनों में से कोई भी अगर एक स्टोन ये वेयर करते हैं तो ये स्टोन इनको फिजिकली तौर पर प्रोटेक्ट रखेगा बैड एस्पेक्ट से, नजरे बद से, बंदिशा से, इवल फोर्सेज से। ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य कुरेश, सूर्य फील एंड सूर्य वाक्य की तिलावत करना वर्गोस के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। और अगर आपसे मैं पूछूं कि ये तो हो गया स्टार ऑफ द डे, इनके अलावा कौन सा ऐसा स्टार है कि जिसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है? इक्वेरीज एयर साइन पर्सनैलिटी, जिसे हम जोहल बुझ दिलो कहते हैं, इनका जोडिक साइन सैटर्न, लकी नंबर इनका 6 एंड सैटरडे इनका लकी डे, इनका भी लक हाउस अच्छा है और इसके साथ साथ इनका 11th हाउस की पोजिशन बहुत ज़बरदस्त है, 1st हाउस भी इनका अच्छा है। ये साल इनके लिए बड़ा मुबारक रहेगा, दोस्तों के हवाले से अच्छे दोस्त इनकी हेल्प कर सकते हैं, एब्रॉड की ट्रैवलिंग करना इनके लिए बड़ा अच्छा साबित होगा, कोई स्पिरिचुअल अगर जर्नी का इरादा रखे हुए तो उसमें इनको कामयाबी मिलती रहेगी। एयर साइन पर्सनैलिटी काफ़ी सपोर्ट कर सकती हैं, खास तौर पर लिब्रा, जेमिनी एंड वाटर साइन में पाइसिस भी इनके काम आ सकते हैं। ये भी सफ़ेद चीज़ का अगर सदका देते हैं तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, हर किस्म की नज़रें बस से बंदिशा से सेफ रहेंगे, आगे अच्छे अल्लाह ताला की तरफ से इनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहेंगे। एमिथिस या फिर दुर्रे नजफ, दोनों में से कोई भी एक स्टोन वेयर करना इनके लिए इंतहाई मुबारक रहेगा। ये भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य फील, सूर्य फलक एंड सूर्य मोमिनून की अगर ये तिलावत करते हैं तो हर किस्म की नज़रें बद और बंदिशा से सेफ रहेंगे।
और जेमिनी और लिब्रेरियंस अगर मैं पूछूं आपसे कि इनको किस किस तरह की सपोर्ट होगी जेमिनी से और लिब्रेरियंस से। वेल अगर हम जेमिनी की स्टार की पोजीशन देखते हैं तो इनका भी माशाल्लाह फर्स्ट हाउस बहुत अच्छा है, शख्सियत के हवाले से दूसरों को इंस्पायर कर सकेंगे, अपने कामों में आसानी पैदा लेकर आ सकते हैं। और इनको जो सपोर्ट करने वाले स्टार है उसमें लिब्रा, पाइसिस एंड सेक्रेटेरी से इनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ये भी ग्रीन चीज़ का सदका दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये सूर्य वल असर सूर्य कुरेश की अगर ये तिलावत करते हैं तो हर किस्म की बैड आइज प्रॉब्लम से नज़रें बस से बंदिश आ से सेफ रहेंगे। एंड ऑफ दिस ईयर तक इनकी बड़ी तेज़ी से पर्सनल विश पूरी हो रही है। पर्सनल विश में कोई भी अगर ये कोई आगे कोई बिजनेस के हवाले से प्लान कर रहे थे 2017 के फर्स्ट मंथ से, या अगर ये कोई मैरिज का इरादा रख रहे हैं, या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या किसी खास जगह से ये सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं तो 100% कुछ अच्छे स्टार इनको सपोर्ट करेंगे, जिसमें एयर साइन एंड वाटर साइन पर्सनैलिटी से इनको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। वक्ती तौर पर थोड़ा सा इनका सिक्स हाउस डिस्टर्ब हो सकता है, स्ट्रेस मत लें, डिप्रेशन में मत जाएँ, इंशाल्लाह कामयाबी इनके कदम चूमेंगी। ठीक है जनाब, हम लेंगे एक मैसेज। इनका नाम है बख्तावर और इनकी वालदा का नाम है शहनाज। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23rd of December 1995। रिश्ते के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। बख्तावर शी इज़ कैप्रिकॉन, जोहल बुर जद्दी से बिलोंग कर रही है हमारी सिस्टर। इनका जोडिक साइन सैटर्न, लग नंबर इनका सिक्स एंड सैटर्डे इनका लकी डे है। लक हाउस इनका अच्छा है, इनके नाइन्थ एंड टेंथ हाउस की पोजीशन अच्छी है। अनफॉर्चुनेटली सेवन्थ हाउस इस वक्त थोड़ा वीक है, मिनिमम 2 मंथ एंड मैक्सिमम 4 मंथ वेट करना होगा। सितंबर से दिसंबर की टाइमिंग बख्तावर के लिए अच्छी है, उस वक्त इनके अच्छे प्रपोजल इंशाल्लाह आ रहे होंगे। वो स्टार जो इनके अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं उसमें अर्थ साइन पर्सनैलिटी में टॉरस एंड वर्गो इनके अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होंगे। दिसंबर बहुत मुबारक रहेगा, दिसंबर या फिर 2018 फरवरी तक एक्सपेक्टेड है कि इनकी अच्छी जगह निस्बत तय हो जाएगी, बातचीत मंगनी इंशाल्लाह हो जाएगी। वाइट चीज़ का सदका देना इनके लिए इंतहाई मुबारक साबित होगा। अपने बर्ड स्टोन के साथ ब्लू सफायर या फिर संग स्टार के साथ अगर ये छोटा सा रेड अकीक या फिर सुर्ख याकूत पहन लेती है तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत मुबारक रहेगा। बल्कि ये दो सदके दें, रेड चीज़ का भी सदका दे सकती हैं तो बहुत मुबारक रहेगा इनके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य यूसुफ सूर्य निसा की तिलावत करना बख्तावर के लिए बहुत मुबारक और बायस बरकत होगा। हम भी ये दुआ करेंगे कि जो भी इनके रिश्ते की प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो और इनका जहाँ भी रिश्ता हो अल्लाह ताला वहाँ इनके लिए बेहतरीन पैदा करे और जहाँ का रिश्ता हो रहा है उनके लिए भी। अब चलेंगे हॉरोस्कोप की जाने पर, जानेंगे एरीज जो कि है फायर साइन पर्सनैलिटी, उनके हवाले से कि आज का उनका दिन कैसा गुजरेगा जी। एरीज जिसे मुरीक बुर्ज अमल कहते हैं, इनका जोडिक साइन मार्स, लेकिन इनका 9 और 2 इनका लकी डे। थर्ड हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है, फर्स्ट हाउस बहुत अच्छा है, इसके साथ साथ इनका 9th हाउस बहुत अच्छा है। पर्सनैलिटी, तालीम का घर, शख्सियत का, पॉपुलैरिटी, ऑनर, इज्जत, रिस्पेक्ट मिल रही है। इनके जो भी कोई पेंडिंग वर्क थे जो जिसके लिए हार्ड वर्किंग करते रहें, स्ट्रगल करते रहें, उन कामों को कामयाबी की तरफ लेके जाने में कुछ अच्छे फायर साइन पर्सनैलिटी से रिलेटेड फ्रेंड इनकी हेल्प कर सकते हैं। खास तौर पर लियोज एंड सेक्रेटरी से इनको काफ़ी फ़ायदा होगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। अगर कोई जॉब करें तो उसमें तरक्की, प्रमोशन, कामयाबी मिल रही है। इनके लिए भी नेक्स्ट 3 to 5 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी सलाहियतों को माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि उजागर कर सकेंगे, दूसरों को अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकेंगे। एंड ऑफ दिस ईयर तक काफ़ी हद तक ये वो उन कामयाबियों को हासिल कर लेंगे जिनकी इन्होंने शुरू में ही प्लानिंग कर रखी थी 2017 के फर्स्ट मंथ से। अलबत्ता मशवरा लेते रहें फायर साइन पर्सनैलिटी से, खासतौर पर लियोज एंड सेक्रेटेरियस इनके अच्छे एडवाइजर साबित होंगे। रेड चीज़ों का सदका देना इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। रूबी या फिर रेड अकी जिसे हम सुर्ख याकूत कहते हैं, दोनों में से कोई भी एक स्टोन वेयर करना इनके लिए इंतहाई मुबारक साबित होगा। सूर्य बकरा, सूर्य वाकया एंड सूर्य आले इमरान की तिलावत करना इनके लिए इंतहाई मुफीद और बायस से बरकत होगा। एरीज को सेगिटेरियस और लियो से किस किस टाइप की हेल्प होगी, मतलब कौन से हाउसेस को कौन लियो सपोर्ट करेंगे और कौन से हाउसेस को जो है वो सेगिटेरियस सपोर्ट करेंगे? वेल बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। स्पेसिफिकली अगर ये लियो से एडवाइस देते हैं मैरिज के हवाले से, अपनी खुशियों के हवाले से, या इनसे हेल्प लेते हैं कोई किसी खास जगह अगर ये कोई प्रपोजल भेजना चाहते हैं तो डेफिनेटली लियोज इनके इस हवाले से काम आएंगे। सेक्रेटरी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी सेक्रेटरीज बैकफुट पे रह के किसी भी पर्सन को आगे कामयाबी की तरफ लेकर जाने में हेल्प कर सकते हैं। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको सेक्रेटरी सपोर्ट करेंगे, मैरिज के हवाले से, लाइकिंग चाहत के हवाले से लियोस।
परफेक्ट जी, हम लेंगे एक और मैसेज। ये कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनका नाम है नूरे, इनकी वालदा का नाम है जमीला, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 अगस्त 1981। मुझे अपने मुकम्मल जायचा जानना है, इनको अपना मुकम्मल जायचा जानना है। आया ये पॉसिबल है? क्योंकि जायचा एक ऐसी चीज़ है जो कम्प्लीटली अगर आपने जानना हो तो पूरा का पूरा शो एक ही जायचा में निकल जाए, लेकिन हम आपकी कोशिश करेंगे समराइज करके जितना आपके बारे में बता सकें वो बताएं। नाम प्लीज सर। इनका नाम है नूरे। नूरे, हाँ। ओके, जबरदस्त। वेल, इट्स वेरी यूनिक नेम नूरे। नूरे शी बिलोंग्स टू अ लियो, शम्स बुर्ज से बिलोंग कर रही हैं हमारी ये सिस्टर। इनका जोडिक साइन सन, लग्न इनका वन एंड संडे, इनका लकी डे वेल 7th एंड 9th हाउस। बहुत ज़बरदस्त है, 2017 बहुत मुबारक रहेगा आपके लिए। अच्छे प्रपोजल, खुशियाँ, कामयाबियाँ आपके करीब आ रही हैं। पर्सनल विश पूरी हो रही है, खासतौर पर कुछ अच्छे स्टार आपको भी सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें सेक्रेटेरीज एंड लिब्रा से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। फायर एंड एयर साइन पर्सनैलिटी आपको कामयाबी की तरफ लेके जाने में हेल्प कर सकती है। अगर कोई जॉब करने का रहता है तो उसमें इंशाल्लाह आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, अच्छी ऑफर्स आ रही हैं, अच्छे लोग आपको सपोर्ट करेंगे। बिजनेस कर रही है तो उसमें तरक्की कामयाबी आपको मिल सकती है। स्पेसिफिकली अगर बुटीक गारमेंट्स सैलून का अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो इसमें आपको इंशाल्लाह शुरू स्टेज से ही कामयाबियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। रेड चीज़ का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। अपने बर्थ स्टोन के साथ आप येलो टोपास के साथ अगर आप छोटा सा येलो सफायर भी वेयर कर लेती है तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। सूर्य नूर, सूर्य निस्सा एंड सूर्य वाक्य की तिलावत करना आपके लिए इंतहाई मुबारक और बायस से बरकत होगा। इनको लिब्रेरियन से कैसा फायदा हो सकता है, क्योंकि एयर साइन पर्सनालिटी है फायर, इनको एयर साइन पर्सनालिटी। वेल, ये जबरदस्त, आज आपके क्वेश्चन बड़े जबरदस्त हैं। इनको सेवंथ हाउस में वीनस बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो लिब्रास बल्कि टॉरस से भी इनको फायदा होगा। एयर साइन एंड एयर साइन पर्सनालिटी इनकी खुशियों को, इनकी विश को पूरा करने में हेल्प करेंगे। चले जी, इसी नोट पे फिर जानते हैं अर्थ साइन पर्सनालिटी टॉरस के हवाले से कि आज का उनका दिन कैसा गुजरेगा। टॉरस जिसे हम जोहरा बुज सौर कहते हैं, इनका जोडिक साइन वीनस, लकी नंबर इनका 6 एंड फ्राइडे इनका लकी डे है। फर्स्ट हाउस इनका अच्छा है, इसके साथ साथ इनका लक हाउस अच्छा बन रहा है। थर्ड हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है, यहाँ पर कह सकता हूँ कि इनके लिए भी 2017 अच्छा साबित होगा। लेकिन इनका पीक पॉइंट पे जो टाइमिंग होगी, स्टार की पोजीशन होगी, वो सितंबर से दिसंबर के दरमियान। इनको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे होंगे, अच्छे लोग इनको सपोर्ट कर रहे होंगे, खासतौर पर कैप्रिकॉन एंड वर्गो से इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। ग्रीन चीज़ का सदका देना इनके लिए इंतहाई मुबारक साबित होगा। ग्रीन एमरल्ड या फिर ओनेक्स वेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य रहमान एंड सूर्य वाक्य की तिलावत करना टॉरियन के लिए भी बहुत मुफीद और बायस बरकत होगा। ठीक है जनाब, अब जिस स्टार के बारे में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ, मेरा बस नहीं चलता कि सबसे पहले मैं उसे के हवाले से जानने की कोशिश करूँ, क्योंकि जमनाए मेरा स्टार है। और हर इंसान जो एस्ट्रोलॉजी से कुछ मोहब्बत रखता है, उनको क्यूरियोसिटी रहती है कि उनका दिन कैसा गुजरेगा, उसको बड़ी एक्साइटमेंट होती है अपने सितारे के हवाले से। तो जानते हैं जमनाए की हाउस की पोजीशन आज कैसी रहेगी। जी, एयर साइन पर्सनैलिटी जमनाए जिसे तारुण बुरजोजा कहते हैं, वेल कंटिन्यूसली इनका फर्स्ट हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाउस ऑफ पर्सनैलिटी शख्सियत का। 2017 इनके लिए बहुत ही खुशियों का साल साबित होगा। अभी मे बी पॉसिबल ये कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं, वो वेट यकीन जॉब के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से, कोई किसी बड़े प्रोजेक्ट के हवाले से, जो भी इन्होंने हार्ड वर्किंग की है, प्लानिंग की है, जो भी इन्होंने एफर्ट्स किए हैं, अच्छे लोगों से हेल्प ली है या मशवरा लिया है, तो यकीन वो चीज़ें, वो आउटपुट इनको अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एंड ऑफ दिस ईयर तक, इसी साल का फोर्थ क्वार्टर इनके लिए बहुत ही मुबारक साबित होगा। पर्सनल विश इनकी पूरी हो सकती है, कोई भी शादी के हवाले से जो भी इनकी कुछ प्लानिंग है उसमें इनको कामयाबी मिलेगी, अच्छे लोग सपोर्ट करेंगे, खासतौर पर इनको लिब्रा पाइसिस एंड इक्वेरी से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ये भी ज़्यादा से ज़्यादा रेड एंड ग्रीन चीज़ का अगर ये सदका देते हैं तो हर किस्म की नज़रें बद बंदिश आ से सेफ रहेंगे। ग्रीन एमरल्ड या फिर ओनेक्स वेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य वाकया, सूर्य यूसुफ़ की तिलावत करना जमराई के लिए बहुत मुबारक होगा। ठीक है जनाब, हम लेंगे एक और मैसेज। ये कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर जी। वालेकुम अस्सलाम। आई एम योर रेगुलर व्यूअर, आई वांट टू कंफर्म अबाउट माय जॉब। एज लॉन्ग एज द जॉब इज कंसर्न, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। सेकंडली प्लीज़ टेल मी अबाउट माय मैरिज। सॉरी, ये कह नहीं रही थी, ये कह रहे हैं, इनका नाम है इरशाद बलोच और इनकी वालदा का नाम है रुखसाना खातून। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 19th of November 1986। जी, इरशाद ही स्कॉर्पियो वाटर साइन पर्सनैलिटी से बिलोंग कर रहे हैं, जिसे मुरीक बुर्ज अकरब कहते हैं। इनका जोडिक साइन मार्स, लकी नंबर इनका 9 एंड ट्यूजडे इनका लकी डे। वेल, प्लैनेटरी पोजीशन बड़ी तेज़ी से इनको कामयाबी की तरफ लेकर जा रही है। 10th एंड 11th हाउस बहुत अच्छा है। बिजनेस के हवाले से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। जो भी इस वक्त आप एफर्ट्स कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, कंटिन्यू जारी रखें, हिम्मत मत हारें, अच्छे दोस्तों से सपोर्ट ले सकते हैं। खासतौर पर आपके लिए पाइसिस एंड
एंड कैंसेरियन, ये दो वाटर साइन पर्सनैलिटी आपको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। इनसे बिजनेस पार्टनरशिप करना, इनसे एडवाइस लेना आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। सिक्स हाउस वक्ती तौर पर थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं एंड ऑफ दिस ईयर तक। बहुत एहतियात करें अपनी सेहत का, फ्रेश रहें, कूल डाउन रहें, स्ट्रेस मत लें, इंशाल्लाह कामयाबियाँ आपके कदम चूम रही हैं। येलो चीज़ों का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। येलो टोपाज या फिर रेड कीक वेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सूरह रहमान, सूरह मुजम्मिल की तिलावत करना आपके लिए बहुत मुफीद और बायस बरकत होगा। और इनका नाम गलत ले लिया था, इरशाद नहीं अरशद नाम था इनका। बहरहाल जायचा तो आपने प्रॉपर्ली इनके सितारे डेट ऑफ बर्थ इनकी वालदा के नाम से बताया है। हमारे पास कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कॉल शायद ड्रॉप हो गए। हम चलेंगे हॉरोस्कोप की जाने पर, जानेंगे कैंसेरियन जो कि है रोशन ख्याल, रोशन पर्सनालिटी, कि आज का उनका दिन कितना रोशन गुजरेगा। जी कैंसेरियन सम कमर बुर्ज सरतान कहते हैं इनका जोडिक साइन मून। वेल लक हाउस बहुत ज़बरदस्त है, टेंथ हाउस एंड थर्ड हाउस वंडरफुल। बहुत माशाल्लाह ये लकी होते हैं रोशन ख्याल रोशन पर्सनैलिटी के मालिक, और ज़िंदगी में रोशनी प्रोवाइड करते हैं और रोशन रास्ते माशाल्लाह अपने लिए अपनाते रहते हैं। दूसरों के लिए भी खुशियों का बायस बनते हैं, दूसरों को अपने साथ लेकर पॉजिटिव एनर्जी के साथ खुश होते हैं। लक हाउस बहुत ही ज़बरदस्त है, 2% इनके लक की पोजीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। थर्ड हाउस वंडरफुल, इसके साथ साथ 10th हाउस 2017 कोई बड़ी कामयाबी इनको दे सकता है, बल्कि 2018 भी इनके लिए इंतहाई मुबारक रहेगा। एजुकेशन के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, पर्सनैलिटी के हवाले से ये साल बल्कि 2018 बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह। वाइट चीज़ों का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। सूर्य व शम, सूर्य व कमर एंड सूर्य रहमान की तिलावत करना कैंसेरियन के लिए बहुत ही मुबारक होगा। दो बर्थ स्टोन इनके बनते हैं, हिजुल कमर एंड पर्ल, जिसे मून स्टोन कहते हैं। वेल अगर ये हिजुल कमर वेयर करते हैं इस वक्त तो इनके लिए बहुत ही बेस्ट साबित होगा। ये स्टोन इनको फिजिकली तौर पे एक्टिव रखेगा, नजरे बस से बंदिश आज से सेफ रखेगा। और अब इन्होंने एक और मुझे सवाल दे दिया है कि 2018 में इनका अच्छा गुजरेगा टाइम, तो ब्रेक से वापस आने के बाद हम जानेंगे कि 2018 में कौन कौन से स्टार्स हैं कि जिनके हाउस की पोजिशन मजीद स्ट्रॉन्ग होगी या अभी स्ट्रॉन्ग है तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आगे जाके। जाएँ एक छोटी सी ब्रेक पे। वेलकम बैक नाजरीन, आ चुके हैं छोटी सी ब्रेक से वापस। और जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि मेरी क्यूरियोसिटी लेवल थोड़ा सा हाई हो गया, ये जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक से आने के बाद कि 2018 में ऐसे कौन कौन से स्टार हैं कि जिनकी स्टार की पोजीशन थोड़ी सी बैलेंस हो रही है या और ज़्यादा अच्छी हो रही है। जी वेल फर्स्ट हम फायर साइंस से, फायर साइन पर्सनैलिटी से रिलेटेड हम एक्सप्लेन करते हैं कि वो स्टार जिनको आगे बहुत ही से कामयाबी मिल सकती है उसमें एरीज एंड सेगटेरियस के 10th हाउस की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इनको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, कामयाबी इनके कदम चूमेंगी। इस वक्त जो भी प्लान कर रहे हैं बिजनेस के हवाले से, कोई ट्रैवलिंग के हवाले से या कोई अच्छे रिलेशन कायम करना चाहते हैं, तो इनके 7th एंड 10th हाउस की पोजीशन, एरीज एंड सेगटेरियस की पोजीशन 2018 में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। इनको बड़े माली चांस लगेंगे, अच्छे रिलेशन कायम होंगे, अच्छे लोग इनको सपोर्ट करेंगे। खास तौर पर एरीज को लियो से काफ़ी फ़ायदा होगा एंड सेक्रेटेरियस को लिब्रा एंड एरीज से फ़ायदा होगा। ये एयर साइन एंड फायर साइन पर्सनैलिटी सेक्रेटेरियस की बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं। वाटर साइन में अगर हम देखते हैं तो पाइसिस को भी माशाल्लाह अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। इनके फर्स्ट हाउस की पोजिशन बहुत अच्छी होगी, पर्सनैलिटी के हवाले से माशाल्लाह दूसरों को बहुत ज़्यादा मुतासर कर सकेंगे। अर्थ साइन पर्सनैलिटी में वर्गो इस वक्त टॉप पे जा रहे हैं, आगे इनको और ज़्यादा कामयाबी मिल रही है। 2018 के मिड तक इनका 9th एंड 10th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। कैप्रिकॉन को भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, इनका लक हाउस ग्रेजुअली बड़ी तेज़ी से स्ट्रॉन्ग हो रहा है। लक हाउस के साथ साथ इनके 7th एंड 9th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है, ऑनर इज्जत पॉपुलैरिटी शोहरत नाम कमा सकेंगे और दूसरों को इनकी ज़ात से काफ़ी फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पर जेमिनी लिब्रा एंड पाइसिस इनके से इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर ये स्टार इनसे एडवाइस लेना चाहें या बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहें तो 101% कैप्रिकॉन से इनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इसके साथ साथ स्कॉर्पियो का भी लक हाउस अच्छा बन रहा है। जो भी इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी कामयाबियों को छूने के लिए या अपनी कामयाबियों के मनाजिल को तय करने के लिए, तो 100% 2018 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर इनके लिए इंतहाई अच्छा साबित होगा। ज़बरदस्त जी, ये तो आपने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आंसर दे दिया और मेरे साथ साथ आपने व्यूअर्स को भी बड़ा ही खुश कर दिया कि जी ओके हमने ये करना है। अपनी एक आप जो एक कोशिश अभी कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करें क्योंकि इंशाल्लाह 2018 में सबकी जो है स्टार की पोजिशन थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग होगी और जो भी आप मेहनत अभी कर रहे हैं वो बाद में रंग लाएगी।
हमारे पास एक और मैसेज है जी, ये कह रही है अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, हर नेम इज़ वफा अब्बास और इनकी वालदा का नाम है जहरा। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 9th of February 1998 एंड शी वांट टू आस्क अबाउट हर लकी स्टोन और फ्यूचर के बारे में भी कुछ बता दें जी। शी इज एक्वेरियस, वफा इज अ वेरी ब्यूटीफुल नेम जिसे हम सोहल बुर्ज दिलो कहते हैं। एयर साइन पर्सनैलिटी से बिलोंग कर रही है। हमारी सिस्टर 7th and 10th हाउस की पोजिशन बहुत अच्छी है। पर्सनल विश जो भी है, एजुकेशन के हवाले से, कोई बिजनेस के हवाले से, या कोई मैरिज के हवाले से, या कोई अच्छे प्रपोजल का वेट कर रही हैं, तो 100% आपको इंशाल्लाह कामयाबियाँ आपके करीब करीब हैं। एडवाइस लेना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, अपने कामों में आसानी पैदा कर सकती हैं। खासतौर पर जेमिनी एंड पाइसिस से एडवाइस लेकर चलना आपके लिए अच्छा साबित होगा। सफ़ेद चीज़ों का सदका देना आपके लिए इंतहाई मुबारक साबित होगा। ये सदका आपको नजर बस से बंदी शाह से सेफ रखेगा, आपकी कामयाबियों में आसानी पैदा करेगा। दुर्रे नजफ या फिर एमिथिस दोनों में से कोई भी एक स्टोन वेयर करना आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सूरह फातिहा, सूरह इखलास एंड सूरह कौसर की तिलावत करती हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से आपको और ज़्यादा कामयाबियों के हवाले से अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे इंशाल्लाह जी। हम भी ये दुआ करेंगे। अब चलेंगे हॉरोस्कोप की जानिब और जानेंगे फायर साइन पर्सनालिटी लियो के हवाले से कि आज का उनका दिन कैसा गुजरेगा जी। लियो जिसे हम शाम बुर्ज असद कहते हैं, इनका जोडिक साइन सन लग्न नंबर इनका 1 and sun का लकी डे 10th हाउस बहुत ज़बरदस्त है। 2017 आपके लिए बहुत मुबारक साबित होगा। बिजनेस के हवाले से बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, बड़ी डील का आप एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो इसमें आपको बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल होगी। एब्रॉड की ट्रैवलिंग करना आपके लिए अच्छा साबित होगा। एरीज एंड सेक्रेटरी से आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। आप इनसे अगर एडवाइस लेकर चलते हैं तो डेफिनेटली अपने कामों में आसानी पैदा कर सकते हैं। 7th हाउस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर्सनल विश पूरी हो रही है। शादी के हवाले से अगर कुछ प्लानिंग है तो अक्टूबर से दिसंबर या फिर 2018 का फर्स्ट क्वार्टर आपके लिए इंतहाई मुबारक साबित हो रहा है। रेड चीज़ों का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। येलो सफायर जिसे आज कहते हैं, अगर आप इसके साथ साथ ब्लैक कीक भी पहन लेते हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपके लिए इंतहाई मुबारक साबित होगा। सूर्य निस्सा, सूर्य यूसुफ एंड सूर्य रहमान की तिलावत करना रूहानी एतबार से, बिजनेस के हवाले से, कामयाबियों के हवाले से आपके लिए बहुत मुबारक साबित होंगी। ठीक है जनाब, हम लेंगे एक और मैसेज। ये कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, और पूछी हैं कैसी हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, उम्मीद है आप भी अच्छी होंगी। इनका नाम है शाहिदा यासर, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 22nd of June 1986। इनकी वालदा का नाम है शमा परवीन और ये कह रही हैं कि मुझे मेरा कम्प्लीट जायचा बता दें और मेरा मुबारक कलर और स्टोन बता दें। यह है लाहौर सर, ये बच्चों के गारमेंट की शॉप स्टार्ट करना चाहती हैं तो पूछ रही हैं कि आया ये बिज़नेस इनके लिए सही है या नहीं जी। शायदा बिल्कुल एंड की जेमिनी हैं जिसे हम बुर्ज जौजा कहते हैं। वेल, अगर हम आपकी जायचे की पोजीशन देखते हैं, लक उस आपका अच्छा बन रहा है। इस वक्त जो भी आपने न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया है आपके लिए अच्छा साबित होगा। वो बिज़नेस जिसमें आपको बड़ी तेज़ी से कामयाबी हासिल हो सकती है उसमें बुटीक, गारमेंट, सैलून, पार्लर, ये फील्ड आपके लिए इंशाल्लाह अच्छी साबित होंगी। वेल, लक हाउस के साथ साथ आपका 7th हाउस बहुत अच्छा है। खुशियाँ, कामयाबियाँ आपको मिल रही हैं, पर्सनल विश पूरी हो रही हैं। 10th हाउस की पोजीशन इस वक्त थोड़ा सा डिसबैलेंस है, लेकिन जो अपने काम पर फोकस रखें, ज़्यादा हार्ड वर्किंग करें। पाइसिस एंड जेमिनी से एडवाइस लेना आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। बिजनेस की पोजीशन आपकी इंशाल्लाह आगे अच्छी बन रही है। जून जैसे अभी ये चल रहा है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने आपके लिए बड़े टॉप के होंगे। एंड ऑफ दिस ईयर तक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आप आ जाएंगी। ग्रीन चीज़ों का सदका देना आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। ग्रीन कलर, लाइट पिंक, व्हाइट कलर आपके लकी कलर साबित होंगे। ग्रीन एमरल्ड आप वेयर कर सकती हैं या फिर ओनेक्स पहनना भी आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य रहमान, सूर्य वाक्या एंड सूर्य कौसर की तिलावत करना आपके लिए बहुत मुफीद और बायस से बरकत होगा। ठीक है जनाब, चलेंगे हॉरोस्कोप की जानिब और जानेंगे कि लिब्रेरियन के हाउस की पोजीशन आज कैसी है, कौन सा हाउस उनका स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक। लिब्रा जिसे हम जोहरा बुर्ज मिजान कहते हैं, इनका जोडिक साइन वीनस, लग्न नंबर इनका 6 एंड फ्राइडे इनका लकी डे 1st and 10th हाउस की पोजीशन अच्छी बन रही है। बिजनेस के हवाले से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। एब्रॉड की ट्रैवलिंग कर सकते हैं, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग के हवाले से भी अच्छी कामयाबियाँ आपको मिलेंगी। कुछ अच्छे दोस्त आपको सपोर्ट कर सकते हैं, खास तौर पर जेमिनी, पाइसिस एंड एक्वेरियस से आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। सफ़ेद चीज़ों का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। ओपल आपका बर्थ स्टोन है, इसके साथ अगर आप छोटा सा यमनी कीक भी पहन लेते हैं तो हर किस्म की नज़रें बस से बंदी शाह से सेफ रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करें, नमाज पढ़ें, स्पेसिफिकली अल्लाह ताला के नामों की तस्बीह कर सकते हैं जिसमें या फताहु या अजीज़ु या नाफ़ियो या ज़ाहिरु, या अल्लाह ताला के नामों की तस्बीह करना आपके लिए बहुत मुबारक साबित होगा।
ठीक है जी, अब चलेंगे हॉरोस्कोप की जानिब दोबारा से और जानेंगे वाटर साइन पर्सनालिटी स्कॉर्पियन के हवाले से कि आज का उनका दिन कैसा गुजरेगा। वाटर साइन पर्सनालिटी स्कॉर्पियो जिसे मरीख बुज अक्रब कहते हैं, इनका जोडिक साइन मार्स, लेकिन इनका 9 एंड 2 इनका लिखे फर्स्ट एंड थर्ड हाउस की पोजिशन बहुत अच्छी है। एजुकेशन के हवाले से 2017 आपके लिए अच्छा साबित होगा। पर्सनैलिटी के हवाले से, शख्सियत के हवाले से बहुत से लोग आपसे इंस्पायर होंगे। आपके कामों में आसानी का बायस बनेगी आपकी शख्सियत। 10th हाउस आपका अच्छा बन रहा है, लेकिन दिसंबर तक आप माशाल्लाह आगे बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आ जाएंगे। जो भी इस वक्त अगर आप कोई बिजनेस करने का इरादा रखते हैं, प्रॉपर्टी का, क्लॉथ का, ट्रांसपोर्ट का, ये फील्ड आपके लिए अच्छी साबित होंगी। वाटर साइन पर्सनैलिटी से एडवाइस लेकर अपने कामों में और ज़्यादा आसानी पैदा कर सकते हैं। खासतौर पर कैंसेरियन एंड पाइसिस से एडवाइस लेकर चलना आपके लिए अच्छा साबित होगा। येलो चीज़ों का सदका देना आपके लिए बहुत मुबारक होगा। रेड अकीक या फिर गोल्डन टोपास, दोनों में से कोई भी एक स्टोन अगर आप पहनते हैं तो ये स्टोन आपको फिजिकली तौर पे एक्टिव रखेगा, रूहानी पावर आपको प्रोवाइड करेगा, नजरे बस से बंदिशा से सेफ रखेगा। ठीक है जनाब, एक और मैसेज है हमारे पास। इनका नाम है फायजा, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12th of December 1987। ये रहने वाली कराची की हैं, उनकी वालदा का नाम है समीना। ये कह रही है मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई औलाद नहीं हुई, तो काइंडली मेरा जायचा देख के बता दें कि प्रॉब्लम क्या है। इनके हस्बैंड का नाम है फैज़ान, उनकी वालदा का नाम है जैनब और इनकी डेट ऑफ बर्थ है इनके हस्बैंड की 21st of November 1987। जी फायजा, बाई नेम एंड बाई बर्थ शी इज सेक्रेटरीज, मुश्तरी बुर्ज को से बिलोंग कर रही है हमारी सिस्टर। इनका जोडिक साइन जुपिटर, लकम इनका 6th एंड 7th, इनका लकी डे फर्स्ट हाउस अच्छा है, लक हाउस अच्छा है, 7th हाउस की पोजीशन अच्छी है। औलाद के हवाले से तो यकीनन अल्लाह ताला की देन है, बिल्कुल भी नाउमीद और मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला जब चाहे अपनी रहमत से, अपनी नेमत से नवाज सकता है। आपके लिए स्पेसिफिकली मैं संगे मरियम सजेस्ट करूँगा अपने बर्थ स्टोन के साथ, फिरोजे के साथ। अगर आप संगे मरियम वेयर कर लेती हैं तो आपके लिए इंतहाई मुबारक साबित होगा। सूरह मरियम, सूरह यूसुफ एंड सूरह रहमान की कंटिन्यूसली तिलावत करना भी आपके लिए बायसे बरकत होगा। आपके हस्बैंड ही स्कॉर्पियो, उनको भी मैं स्पेसिफिकली फिरोजा सजेस्ट करूंगा अपने बर्थ स्टोन के साथ। वो अगर फिरोजा पहन लेते हैं तो इस स्टोन के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे कुछ कीमियाई अज़ा रखे हैं जो औलाद के हवाले से आपके लिए, आपके हस्बैंड के लिए बहुत ही मुफीद साबित होंगे। वेल वो भी अगर चारों दालों का सदका दें, सूरह मरियम एंड सूरह यूसुफ की अगर वो भी तिलावत करते हैं तो उनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। उनका बर्थ स्टोन बनता है येलो सफायर या फिर रेड अकीक, दोनों में से कोई भी एक स्टोन के साथ अगर वो फिरोजा ऐड करके वेयर कर लेते हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन उनके लिए भी बहुत मुबारक साबित होगा। और हम भी ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द औलाद की नेमत से नवाजे और आज की रात हम सब इबादत करेंगे क्योंकि 27th ऑफ रमज़ान की शब पड़ जाएगी। तो जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो है वो इबादत को अपने कैसे हम जो है मैनेज किया जाए, क्योंकि कल जो है रोज़ा है, जुम्मतुल विदा भी है, बहुत बड़ा दिन है, 27वां रोज़ा है, जुम्मतुल विदा, तमाम चीज़ें। तो इस दिन की क्या वैल्यू है इस्लाम में और आपको क्या क्या चीज़ें रिसाइट करनी चाहिए, थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं जी। वेल यकीनन इसमें शब कदर की रात है तो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। इसमें सूरह कदर की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करते रहना चाहिए और अपने लिए, अगर वो मेरे बहन भाई जिनके वालदैन दुनिया से रुखसत हो गए, आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं, गड़गड़ाएँ अल्लाह ताला के हुजूर, रोएं तन्हाई के आंसू, अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। और यकीनन जो लोग खुशू के साथ इबादत करेंगे और अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए इसमें गड़गड़ाएँगे, रोएंगे और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, अपने गुनाहों पर शर्मसार होंगे, तो यकीनन अल्लाह ताला को अपने बंदे की नदामत और शर्मसारी बहुत पसंद है। जब वो तड़प रहा होता है, रो रहा होता है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा होता है, और फिर इसी रात तो हज़ार महीनों की इबादत से बढ़कर मैं समझता हूँ कि ये रात है। वो लोग जो इस रात सदका देंगे, जो लोग नवाफल अदा करेंगे, जो कुरान पाक की तिलावत करेंगे, जो भी वो नेकी करेंगे तो वो हज़ार महीनों की इबादत के बराबर शुमार होगी। बिल्कुल जी बिल्कुल, और अल्लाह ताला की तमाम चीज़ें तोहफा है आपके लिए। और हमेशा क्योंकि रमज़ान को इस तरह से ट्रीट करना चाहिए कि हो सकता है आपकी ज़िंदगी का ये आखिरी रमज़ान हो, सकता है आपकी ज़िंदगी की आखिरी शब कदर हो, तो अपने इबादत में आप बिल्कुल भी कोताही ना करें, जितना अच्छा हो सकता है आप करें, क्योंकि नसीब वालों को ही रमज़ान नसीब होता है और तमाम ही बड़ी रातें नसीब होती हैं। अब अगले साल जिन जिन की ज़िंदगी रही इंशाल्लाह उन्हें ये रमज़ान नसीब होगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं रमज़ान के स्टार्ट में अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते हैं या ईद से बिल्कुल पहले, तो उनके नसीब में रमज़ान होता है। तो आप अपनी इबादत कम्प्लीट करें, अपना नेचर अच्छा रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ जो है उनके लिए बुराई ना करें अगर अच्छाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतने बड़े दिन हैं। आप दोज़ख की आग से मग़फ़रत अल्लाह से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मांग सकते हैं मांगे, और कोशिश कीजिए कि आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ ही तमाम चीज़ें करें। अब चलेंगे हॉरोस्कोप की जानिब
हवाले दोबारा जानेंगे सेजिटेरियस जो कि है फायर साइन पर्सनालिटी के, आज का उनका दिन कैसा गुजरेगा जी। सेजिटेरियस जिसे मुश्तरी बुर्ज कॉस कहते हैं, इनका ज़ोडिक साइन जुपिटर, वेल थर्ड हाउस इनका बहुत अच्छा है, हाउस ऑफ एजुकेशन, तालीम के हवाले से 2017-2018 भी इनके लिए अच्छा साबित होगा। सेवंथ हाउस इनका अच्छा बन रहा है, जो भी इनकी कुछ प्लानिंग है शादी के हवाले से, पर्सनल लाइकिंग या किसी खास जगह प्रपोजल भेजना चाहते हैं या एक्सपेक्टेशन रखी हुई है किसी खास जगह से, इनको कामयाबी गुड न्यूज़ सुनने के लिए जो वेट कर रहे हैं उसमें इनको इंशाल्लाह कामयाबी मिल रही है। नेक्स्ट 3 to 5 मंथ इनके लिए बड़े मुबारक साबित होंगे। बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी का, क्लॉथ का, ट्रांसपोर्ट का, ये फील्ड इनके लिए अच्छी साबित होंगी। वाइट चीज़ों का ज़्यादा सदका देना इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। फिरोज़ा या फिर मून स्टोन, दोनों में से कोई भी एक स्टोन वेयर करना इनके लिए इंतहाई मुबारक साबित होगा। ठीक है जी, अब जानेंगे कैप्रिकॉन जो कि अर्थ साइन पर्सनालिटी के, आज का उनका दिन कैसा गुजरेगा। साइन पर्सनालिटी कैप्रिकॉन जिसे हम जोहर बुरजद्दी कहते हैं, इनका ज़ोडिक साइन सैटर्न लग रहा है, इनका 6 एंड सैटरडे इनका लकी डे, लक हाउस बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ इनका 7th एंड 10th हाउस भी अच्छा बन रहा है, खुशियाँ कामयाबियाँ इनको मिल रही हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। वर्गो एंड टॉरस से इनको काफ़ी फ़ायदा होगा, बिजनेस करना, प्रॉपर्टी का, एब्रॉड की ट्रैवलिंग करना, इनके लिए इंतहाई ये टाइमिंग अच्छी बन रही है। ब्लैक चीज़ का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा, ब्लू सफायर के साथ अगर ये छोटा सा ब्लैक किंग भी पहन लेते हैं तो इनके लिए इंतहाई मुबारक साबित होगा। ब्लू सफायर की अगर मैं आपसे जनरल प्रॉपर्टीज़ पूछूँ तो वो क्या क्या है? बहुत एक्टिव रखता है इंसान को, बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करता है, इंसान की सोच को पॉजिटिव रखता है और ब्रेव कॉर्जिस इंसान को बनाता है। और उस वक्त जब आपको किसी खास जगह पर जाने के लिए घबरा रहे होते हैं, बेचैन हो रहे होते हैं या आप फिजिकली तौर पे डल हो रहे होते हैं तो ये स्टोन आपको उस वक्त एक्टिव रखता है। ठीक है जनाब, हम एक और मैसेज लेंगे। इनका नाम है अरहम, इनकी वालदा का नाम है बिल्किस, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 7th of June 1981 और ये कह रहे हैं जो भी काम करूँ उसमें नाकामी हो जाती है, बहुत लॉस होता है जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, प्लीज़ कोई सोल्यूशन बता दें जी। और हम इस जेमिनी बर्जोजा से बिलोंग कर रहे हैं हमारे भाई, 10th हाउस थोड़ा इस वक्त वीक है, वेट करना होगा। नेचुरली तौर पे प्लैनेटरी पोजीशन आपकी डिसबैलेंस है, 9 के स्टार के असरात की वजह से कोई इंसानी हाथ की तरफ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही, अगर मैं ये कह सकूँ कि कोई इंसान प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नेचुरली तौर पर अप एंड डाउन होता है, नशीब व फराज आते हैं, हर बिजनेस के अंदर में एक फ्लक्चुएशन होती है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सनट्रेशन करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस की तरफ फोकस करना होगा। यकीनन आपकी मेहनत, आपकी हिम्मत रंग लेकर आएगी। यहाँ पे सितंबर से दिसंबर की टाइमिंग आपके लिए अच्छी बन रही है, कुछ अच्छे दोस्तों से आप एडवाइस ले सकते हैं, खासतौर पर लिब्रा एंड इक्वेरियस से एडवाइस लेना आपके लिए अच्छा साबित होगा। इंशाल्लाह इस वक्त जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, ये कोशिशें इंशाल्लाह आपकी रंग लेकर आएंगी। अपनी हिम्मत को माशाल्लाह जारी रखें, अपनी मेहनत को जारी रखें, रिजल्ट अल्लाह ताला की तरफ से अच्छा आएगा। ग्रीन चीज़ों का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा, ग्रीन एमरल्ड आप वेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मगरब और इशा के दरमियान सूर्य वाक़िया की तिलावत किया करें, इससे आपके कामों में आसानी पैदा होगी, रिस्क में बेहतरी आएगी और अल्लाह ताला की तरफ से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। ठीक है जनाब, अब जानेंगे एक्वेरियस एयर साइन पर्सनालिटी के हवाले से, आज का उनका दिन कैसा गुजरेगा। एक्वेरियस जिसे हम जोहल बुर्ज दिलो कहते हैं, इनका ज़ोडिक साइन सैटर्न, लकी नंबर इनका 6 एंड थर्सडे इनका लकी डे, फर्स्ट एंड सेकंड हाउस इनका अच्छा बन रहा है, बल्कि थर्ड हाउस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है एजुकेशन के हवाले से, तालीम के हवाले से 2017 बल्कि 2018 का मिड तक इनका ये अच्छी टाइमिंग होगी। तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा दिखा सकेंगे, ऑनर, इज्जत, रिस्पेक्ट इनको मिल रही है। 2018 इनके लिए इंतहाई मुबारक बन रहा है, पॉपुलैरिटी के हवाले से, शोहरत के हवाले से, अगर ये कोई इस वक्त तालीम के साथ साथ कोई जॉब करना भी चाहते हैं तो 101% दोनों फील्ड के अंदर इनको कामयाबी मिलती रहेगी। सफ़ेद चीज़ों का सदका देना इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। एमिथिस्ट इनका बर्थ स्टोन बनता है, इसके साथ अगर छोटा सा ब्लैक की भी पहन लेते हैं तो इनके लिए इंतहाई मुबारक रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सूरह रहमान, सूरह अलम नशरा एंड सूरह वाकिया की तिलावत करना बहुत मुबारक होगा इनके लिए। ठीक है जनाब, इसी के साथ हमारे शो का वक्त खत्म हुआ जाता है। वो लोग जिनसे इन पर्सन मिलना चाहते हैं या अपने सवालात करना चाहते हैं, अपना कंप्लीट जायजा जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स को यूटिलाइज करें, इंशाल्लाह ये आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे और हर पॉसिबल गाइडलाइन देने की कोशिश करेंगे। आज की इबादत में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।